आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के उस वेपन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है काली। काली का पूरा नाम होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट्स सपोज दैट आप मान लो और इमेजिनेशन करो कि इंडिया पे हमला हो गया है और एक तरफ से फाइटर प्लेन्स, एयरफोर्स के प्लेन्स हमला कर रहे हैं और दूसरी ओर से नेवी की शिप्स आ रही है और राजस्थान से टैंकों का काफिला निकल पड़ा है भारत पर हमला के लिए। और ऐसे में एक लेजर लाइट निकलता है और उनकी फाइटर प्लेन्स और नेवी की जो शिप्स है और टैंक्स है तीनों को बर्बाद करके रख देता है। जी हाँ, है ना ये कमाल का वेपन जो तीनों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है पलक झपकते ही, जिसका नाम है काली। जी हाँ, जिसके बारे में मैं अभी कुछ पहले बात कर रहा था, काली 5000, जिसका फुल नेम मैंने अभी जस्ट बताया है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसका फुल नेम है। और ये जो काली 5000 है वो इंडिया का सीक्रेट वेपन है और इसे सीक्रेट रखा गया है। ऐसा दुनिया में कोई भी वेपन नहीं है। जी हाँ, अमेरिका के पास है ऐसा वेपन, बट इसके जैसा शक्तिशाली वेपन उसके पास नहीं है जितना ये पावरफुल वेपन है काली 5000। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आफ्टर ऑल काली 5000 काम कैसे करता है और इसे कहाँ बनाया गया है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदंबरम ने 1985 में सबसे पहले काली 5000 को बनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद इसके 4 वेरिएंट्स तैयार किए गए। पहला काली 80 तैयार किया गया, दूसरा काली 200 तैयार किया गया, तीसरा काली 5000 और अभी हाल ही में काली 10000 तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पावरफुल काली 10000 को बताया जा रहा है। और ये काली के जितने भी वेरिएंट्स है सबको सीक्रेट वेपन बताया गया है और इसके बारे में कोई भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है, बस इसके बारे में बुनियादी जानकारी ही मिल पाई है कि काली 5000 काली के इतने सारे वेरिएंट्स को तैयार किया गया है। और 1989 में जाकर इन सारे वेरिएंट्स पे काम स्टार्ट हुआ था। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान पैदा करता है, जो सेकंड्स के अंदर तरंगों का बौछार कर देता है और इसके संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ये थप कर देता है। काली के सामने विशालकाय टैंक, ड्रोन्स और अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक फाइटर प्लेन और जितने भी आधुनिक हथियार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट और वायरलेस तकनीक लगी हुई है, काली उसे पल भर में नष्ट कर सकता है। फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अटैक से काम करना बंद कर देते हैं और अत्याधुनिक हथियार पलभर में कबाड़ का ढेर बन जाता है और उसमें रखे मिसाइल्स और हथियार विस्फोट हो जाते हैं। काली के अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं जो भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित करके रखते हैं और पूरी तरह से चार्ज हो जाने के बाद ये टारगेट पर एक झटके में इसे फेंका जा सकता है। इसे आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में पंखे में एक कैपेसिटर लगा होगा गोल टाइप का, उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं और कूलर में भी ये लगा रहता है जो इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करके रखता है और उसे छूने पे झटका जैसा लगता है। सेम इसी प्रकार से काली में भी बहुत ही हाई लेवल के कंडेंसर और कैपेसिटर लगे रहते हैं जो भारी मात्रा में एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे टारगेट के दौरान अटैक किया जा सकता है किसी भी टारगेट पर। बताया जाता है कि काली में ऐसी क्षमता है जो सैटेलाइट्स को भी मार कर गिरा सकता है। काली और उसके मारक क्षमता के बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है, सिर्फ उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी ही बाहर निकल के आई है। संसद में हालांकि एक बार इसके बारे में पूछा भी गया था, लेकिन उस समय मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे और उन्होंने काली के बारे में देश की रक्षा को देखते हुए उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। काली को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ने मिलकर बनाया है। अगर मनोहर पारिकर संसद में इसके मारक क्षमता और इसके बारे में अगर पूरी जानकारी दे देते तो चाइना और पाकिस्तान इसकी कॉपी करने लगता, और आप तो जानते ही होंगे कि चाइना कॉपी करने के मामले में कितना आगे है और हैकिंग के मामले में भी चाइना बहुत आगे है। और पाकिस्तान का तो यहाँ तो बात ही मत कीजिए, वो किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, तो उसके बारे में बात ही करना ही बेफिजूल है। और भारत में भी काली जैसे कई और वेपन्स है जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी स्पेसिफिकेशंस को नहीं खोला गया है। हालांकि कुछ ऐसी जानकारी सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि कोई इसकी कॉपी ना कर पाए और ज़रूरत पड़ने पर भारत दुश्मनों पर हावी हो सके, तो इसलिए कुछ ना कुछ सीक्रेट रखना चाहिए, है ना, राइट। और इसीलिए कुछ ना कुछ सीक्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो वेपन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ सीक्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और ज़रूरत पड़ने पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे। और आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि काली 100 मिली सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े हथियारों को पल भर में तबाह कर सकता है। सो ये सभी था काली के बारे में टोटल जानकारी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें दी गई जानकारी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें
लिखकर मुझे बताएं क्या इसमें मिसिंग है, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और जस्ट इसके साइड में यहाँ पे नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल से कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाए। और आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले जाए, बेल बटन भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में ऐसे वीडियोज लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।